सिगरेट कैसे बनती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम गोला और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं सिगरेट बनने की फैक्ट्री प्रोसेस को। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, सिगरेट बनाने की प्रोसेस शुरू होती है तंबाकू के खेतों से, जहां सबसे पहले तंबाकू को तैयार किया जाता है, जिसके लिए तंबाकू के नर्सरी को शेल्टर फॉर्म में तैयार किया जाता है। और जब ये तैयार हो जाते हैं तब इन्हें उखाड़कर खेतों में बोया जाता है। तंबाकू की फसल को तैयार करने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। जब ये तैयार हो जाते हैं तब इनकी बड़ी बड़ी पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है, क्योंकि यही पत्तियां होती हैं असली तंबाकू और इन्हीं पत्तियों से बनती है सिगरेट। इन पत्तों में निकोटिन ज्यादा होता है, यानी नशा ज्यादा होता है, जिससे सिगरेट बीड़ी पीने वाले को नशे की लत भी लग जाती है। इसके बाद इन सभी पत्तों को धागे में बांधकर उन्हें लकड़ी के सहारे लटका दिया जाता है और उन्हें कुछ समय सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब ये हरे पत्ते सूख जाते हैं तब उन्हें उतारकर एक जगह जमा कर लिया जाता है, जिसके बाद इन सूखे और सिकड़े हुए पत्तों की क्वालिटी के हिसाब से इन पत्तों को छांट लिया जाता है और सड़े गले और सूखे पत्तों को अलग अलग कर दिया जाता है, ताकि सिगरेट बेस्ट क्वालिटी की बने। इसके कुछ पत्ते सिगार बनाने में यूज हो जाते हैं तो कुछ पत्ते सुरती बनाने में, कुछ बीड़ी में तो कुछ सिगरेट में। जैसी क्वालिटी वैसा प्रोडक्ट। इसके बाद इन सभी सूखे पत्तों को एक मशीन में दबाकर कट्टों में भरकर पैक कर दिया जाता है, जिन्हें बाद में सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में इन सभी सूखे पत्तों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है, जहां पर एक मशीन द्वारा इनकी छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर दी जाती है। लेकिन ये टुकड़े अभी भी इतने छोटे नहीं हैं जो सिगरेट के खोल में डाले जा सकें, इसलिए इन्हें आगे भेजा जाता है, जहां एक मशीन इन सभी टुकड़ों को बारीक तंबाकू के मसाले में काट देती है, जो अब सिगरेट के खोल में भरने के लिए तैयार है। अब अगले स्टेप में सिगरेट के सफेद पेपर के खोल को तैयार किया जाता है। ये ज्यादातर गांजे या लकड़ी का पल्प यानी गूदे से बनाया जाता है, जिसके बाद इसके बड़े बड़े पेपर के रोल तैयार कर दिए जाते हैं। इन्हीं रोल को सिगरेट बनाने की मशीन के अंदर लगाया जाता है और ये मशीन रोल को सिगरेट के खोल की शेप देती जाती है और सिगरेट के साइज के हिसाब से इसे काटती जाती है। इसके बाद इसमें फिल्टर लगाया जाता है। इसे सेल्यूलोज एसीटेट फाइबर से बनाया जाता है। ये बेज यानी हल्के पीले रंग का होता है, जिसका आगे एक और मशीन में रोल लगा होता है। ये मशीन इस पीले रोल को व्हाइट पेपर के खोल के ऊपर लगाती जाती है, जिसके बाद हमें मिलती है सिगरेट की रियल शेप। अब बारी है इसमें तंबाकू भरने की। इसके लिए एक तरफ तंबाकू के मसाले को कन्वेयर बेल्ट से एक मशीन में पहुंचाया जाता है और दूसरी तरफ से सिगरेट के खोल रखे जाते हैं, जिसके बाद ये मशीन सिगरेट के खोल में तंबाकू के मसाले को भरती जाती है और आगे फेंकती जाती है। दोस्तों, तैयार है अब आपकी सिगरेट। अब बारी है इनकी पैकिंग की। इसके लिए इन तैयार सिगरेट को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन 10 सिगरेट की क्वांटिटी के हिसाब से इन्हें सिगरेट की डिब्बी में पैक करती जाती है और सील कर देती है, जिन्हें बाद में मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सिगरेट बनने की फैक्ट्री प्रोसेस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं।